हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं अपने एनिवर्सरी से रिलेटेड पूरी चीज़ शेयर करूंगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा कि हम लोगों ने उस दिन क्या क्या किया, हम कहाँ गए, हमने कैसे अपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो पूरा ब्लॉग इस वीडियो में शेयर होगा, पूरा सब कुछ आपको इसमें मैं बताऊँगी। तो एंड तक बने रहिए गाइस इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट्स की, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी सेलिब्रेशन विदाउट गिफ्ट नहीं होता। तो हर सेलिब्रेशन में गिफ्ट तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो सबसे पहले मैं अपना गिफ्ट शो कर रही हूँ। मैंने अपना गिफ्ट इससे पहले भी शो किया, जब मैंने इसको ओपन किया था, अपनी एक शॉर्ट वीडियो में इसको डाला था। बट आज गिफ्ट ओपन करने थे तो मैंने सोचा चलिए मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। तो मुझे जो गिफ्ट मिला था, मुझे ये बहुत प्यारी सी, बहुत प्रिटी सी गाउन मिली थी, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, जो कि मैंने आपको अपने एक शॉर्ट वीडियो में इसको पैसो ओपन भी किया था, मैंने अनबॉक्स किया था इस गिफ्ट को। तो मुझे तो ये गाउन मिली थी जो कि बहुत ही प्यारी की थी, मुझे बहुत पसंद आई, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। और जो मैंने गिफ्ट दिया था, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट गिफ्ट दिखाती हूँ, जो मैंने क्लब कॉक्स की एक शर्ट गिफ्ट करी थी। दिस इज वे बहुत ही प्यारी शर्ट है क्लब फॉक्स की, मैंने गिफ्ट की थी। एंड सेकंड मैंने इनको शूज़ गिफ्ट किए थे हेलन कूपर के। तो मैं शूज़ लेने में बहुत ज़्यादा डर रही थी, मुझे लगा पता नहीं साइज़ का कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि शूज़ ऐसी चीज़ होती है, आप फुटवेयर आप लेने जाओ तो किसी के लिए गिफ्ट के लिए सोचना पड़ता है। बट मैंने ट्राई किया, मैंने चलो देखते हैं जैसा होगा। तो ये सब गिफ्ट्स हो गए। उसके बाद हम सब लोग, क्योंकि उस दिन बोट पड़ रहे थे तो बोटिंग की वजह से उसे सब कुछ क्लोज था, तो ज़्यादा कुछ तो खैर सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। सुबह 4 बजे तक तो सब मोस्टली क्लोज था, बट शाम को हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, कुछ टेंपल्स गए, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, खाया पिया। तो आइए आपको दिखा दें। तो सबसे पहले गए हम मनकामेश्वर मंदिर, जो कि केशव नगर में था, प्रियदर्शनी कॉलोनी, और शंकर भगवान जी का ये मंदिर टेम्पल है। यहाँ पे दर्श देखिए, ये खड़े हुए हैं किस तरीके से, हाथ जोड़ के भगवान से प्रे कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ जाके अपना माथा टेका, भोले बाबा से प्रे करी अपनी आगे की लाइफ के लिए, और उसके बाद वहाँ खूब अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पर। अच्छा टेम्पल, तो फिर दर्शन मनकामेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद हम सब पहुँचे खाटू श्याम के मंदिर, जो कि हसनगंज में निषादगंज के पास बिरबल शानी मार्ग काला कंकर कॉलोनी के पास ये टेंपल खाटू श्याम का बना हुआ है। और बहुत ही बड़ी फील्ड थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे सत्संग भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पार्क था, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के झूले थे, और ये देखिए दर्श कितने एंजॉय करके चल रहा है पापा के साथ अपने। और बहुत अच्छा मार्ग था, बहुत अच्छा टेंपल था, बहुत ही काफ़ी क्राउड था वहाँ पे, वह काफ़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे वहाँ पर, गौशालाएँ बनी हुई थी। और ये देखिए कृष्ण भगवान जी का कितना सुंदर सा एक स्टैचू बना हुआ है, बहुत प्यारा है। और मंदिर बहुत अच्छा था, हम सब लोगों ने वहाँ खूब इंजॉय किया, दर्श भी अपना इंजॉय करते करते चल रहे हैं। और अच्छा मंदिर, अच्छा टेम्पल था खाटू श्याम जी का, और बहुत ही ज़्यादा फील्ड थी, बहुत बड़ी फील्ड थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लोग थे वहाँ पर, काफ़ी भीड़ थी, और दर्शन भी बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पार्क था बच्चों के खेलने के लिए, आप आराम से बैठ के अपना कुछ समय वहाँ पे बिता सकते हैं, अच्छे पल, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग एंटर हुए हैं। अब ये मंदिर के बाहर दर्श वाश और उसके पापा अपने शूज़ उतारने गए हुए थे, तो मैंने भी अपनी स्लीपर वहाँ पे उतारी। और उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए हुए हैं। दर्श एक्चुअली कैप नहीं हटा रहा था, मैंने बोला कैप हटा दो बेटा, उधर की धूप नहीं थी, पर नहीं मम्मी मैं कैप लगाऊंगा। बहुत अच्छा उस दिन वेदर था, बहुत सुहाना मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए चारों तरफ कितनी भीड़ है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और दर्श ने वहाँ पर उनकी घंटा बजाया था, पापा मुझे बजाना है, दर्श के पापा ने दर्श को कराया, दर्श ने खूब इन्जॉय किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम गए अंदर, अंदर लाइन भी थी मंदिर के अंदर जाने के लिए,
काफ़ी लोग बैठे हुए थे आराम से, अच्छा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। बहुत ही मौसम भी बहुत अच्छा था और टेंपल के अंदर तो वैसे ही बहुत अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बैठते हो भगवान को ध्यान करते हो तो। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी वहाँ पे जो वहाँ का माहौल था वो बहुत अच्छा था। इधर से बैच हुए और अच्छा लग रहा, दर्श भी खूब इंजॉय कर रहा था, हम सब लोगों ने वहाँ खूब इंजॉय किया। और ये देखिए गाइस सामने लाइन लगी हुई है, इस लाइन से हम लोग इधर से जा रहे हैं। ये देखिए गाइस खाटू श्याम बाबा सामने हैं और बहुत लोग वहाँ मोर पंख भी लिए हुए थे। ये देखिए देखिए मैं आपको पास से थोड़ा दिखाती हूँ, ये खाटू श्याम जी के मूर्ति है। और अब वहाँ से जाने के बाद वहाँ एक गौशाला भी थी जो बहुत सारी वहाँ पे गाय थी, तो दर्श वहाँ देखने के लिए बड़े थे कि मुझे भी देखना है वहाँ कितनी सारी काऊ है, वहाँ मुझे देखना है। तो ये देखिए दर्श वहाँ पे देख रहे हैं और कहते हैं माँ मुझे गोदी लेके दिखाओ मुझे देखना है, बट नहीं, उनकी ये ख्वाहिश उनकी पापा ने उनकी पूरी करी है, मैंने तो उनको गोदी नहीं लिया था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखिए वहाँ गौशाला थी, बहुत अच्छा लग रहा था खाटू श्याम के मंदिर में। ये देखिए दर्श देख रहा, और ये देखिए दर्श कितना कितना एंजॉय कर रहा है, देख कितना उसको अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप सब लोग भी जाइए मंदिर। ये अब घूमने के बाद बारी आ गई कुछ खाने पीने की, तो हम सब गए उसके बाद पिज्ज़ा हट। पिज्ज़ा हट में हम लोगों ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और दर्श वहाँ वेटिंग में इतना ज़्यादा थक गए थे घूम घूम के कि दर्श वहीं लेट गए थे कि मम्मा कब आएगा पिज़्ज़ा, कितना टाइम लगेगा। हम सब लोग ने वहाँ पे वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का, तो दर्श को तो वेट हो नहीं रहा था, तो दर्श की तो शैतानी चल रही थी वहाँ पर, इधर जाना उधर करना इधर शैतानी करना, कुछ ना कुछ दर्श का चल ही रहा था। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।